बैक अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हिंदी ग्रेड 6। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 6। लास्ट के वीडियोस में हम लोग पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं, जो थी एक कविता। उस कविता के एक्सरसाइज आपको मैंने खुद सॉल्व करने के लिए कहा था, राइट? आई होप कि आप सब ने वो एक्सरसाइज घर पे खुद सॉल्व की होगी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज पार्ट 6, सुबह। ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले हम टेक्स्ट बुक का कुछ एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की रीडिंग स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के रिलेटेड एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। ये कहानी है वॉल्टर की। गुजराती में आपका एक चैप्टर आएगा आगे चल के, अपंगना ओजस। इस चैप्टर में इसी पार्ट से रिलेटेड एक स्टोरी बताई गई है। वो स्टोरी मैं आपको आज समझा रही हूँ, जो एक स्टोरी है वॉल्टर की। वॉल्टर एक ऐसा बच्चा जिसको काफ़ी छोटी एज में फीवर हो गया था और उस फीवर की वजह से उसके पूरे शरीर में से जान निकल चुकी थी, मतलब उसका पूरा शरीर बेजान हो गया था। उसके शरीर में ताकत नहीं थी, वो अपने बॉडी पार्ट्स खुद हिला भी नहीं पाता था और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उसकी टांगों पर। जैसे जैसे एक्सरसाइज करता गया उसकी बाकी की बॉडी तो ठीक होने लगी, बट जो उसके पैरों में से जान निकल गई थी, उसके पैर बेजान हो गए थे, उसे ऐसा विश्वास था कि अगर मैं अपने मन में पक्का दृढ़ निश्चय कर लूं कि मुझे कैसे भी करके आगे बढ़ना है और अपने पैरों पर खड़े होना है, तो मैं कर पाऊंगा। यहाँ पर वॉल्टर ने ऐसा सोचा कि अगर मेरे पैर बेजान हैं तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठा रहूँगा एक व्हीलचेयर पर? नहीं, उसने सोचा कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि मेरे पैरों में जान आ जाए और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ। अपनी इस एज में जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने काफ़ी सारे खेल महोत्सव देखे। वो स्पोर्ट्स डेज देखने जाता था अपने पेरेंट्स के साथ। तब उसने वहाँ पर देखा एक लॉन्ग जंप की गेम उसने देखी। वहाँ पर खेल महोत्सव में बहुत सारी गेम्स हो रही थी, जैसे कि रनिंग हो रही थी, लॉन्ग जंप हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देख कर उसे भी ऐसा लगा कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ। तब उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे पैरों में फिर से जान आ जाए और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। उसने उस वक्त अपने पेरेंट्स से कहा कि देखना, मैं भी एक दिन इससे भी लॉन्ग जंप, इससे भी बड़ा एक जंप करूंगा जो मेरे कंपैरिजन यानी मेरी कोई भी तुलना करने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। तब से उसने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की, डॉक्टर से सलाह ली, जो भी डॉक्टर्स उसे सलाह देते थे वो कम्प्लीटली उसको फॉलो करता था। धीरे धीरे करके उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और आगे बढ़ा। धीरे धीरे करके उसने पहले तो वो व्हीलचेयर पर चलता था, देन उसके बाद उसने बैसाखी ली। जैसे आपने देखा होगा दो लकड़ी की बैसाखी बनी हुई होती है, उसको पकड़कर उसने चलना स्टार्ट किया। उसके बाद पैरों में एक्लिप्स करके पहनने के लिए आते हैं, वो उसने पहनने का ट्राई किया और उससे उसने चलने के लिए आगे पैर बढ़ाया। धीरे 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 आगे बढ़कर एक दिन ऐसा आया कि उसके पक्के निश्चय में वो काबिल हुआ और उसने अपना निश्चय पूरा किया। उसने अपनी प्रैक्टिस, जैसे ही वो चलना सीख गया, उसने दौड़ने की प्रैक्टिस की, देन लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस की और उसने सोचा कि मैं भी ऐसे खेल महोत्सव की प्रतियोगिता में पार्ट लूँगा और आगे बढ़ूँगा। तब क्या हुआ, उसने सोचा कि मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसने घर पर अपनी माता पिता के गाइडेंस में, उनके अंडर में रहकर रनिंग की प्रैक्टिस की, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस की और उसने निश्चय किया कि मैं एक ऐसा लॉन्ग जंप करूँगा कि पूरे विश्व में कोई भी मुझे कंपेयर नहीं कर पाएगा। उसने बहुत मेहनत की और एक दिन ऐसा आया कि उसने एक ऐसा लॉन्ग जंप लगाया ओलंपिक्स की गेम में कि उसे वहाँ पर स्वर्ण चंद्रक मिला था, इट मीन्स गोल्ड मेडल उसे वहाँ पर मिला था। और तब से उसका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस, यानी आगे चलकर उसने अपना नाम इतना कमाया अपनी इस खेल महोत्सव की वजह से कि अब लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते हैं। यहाँ पर इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने मिला कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग अपंग है या जिसमें शक्ति नहीं है, तो क्या इसका मतलब यही है कि हम बैठ जाएं? नहीं। यहाँ पर वॉल्टर की इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने मिलता है बच्चों,
कि अगर हम लोग दृढ़ निश्चय कर ले, अपने मन में पक्का विश्वास कर ले कि हमें ये चीज़ करनी ही है और हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वॉल्टर के पेरेंट्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। वॉल्टर की माँ उसे कहती थी, अगर तू अपने मन में पक्का विश्वास रखेगा तो जो तू चाहता है वो हो सकता है। जो भी तू मन में सोचेगा कि मुझे ये करना है, तू आगे चलकर वो कर पाएगा, पर तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। और वही हुआ, वॉल्टर ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ता गया। उसने इतनी कोशिश की, रनिंग, पहले तो वो चलना सीखा, देन रनिंग, उसके बाद उसने लॉन्ग जंप में भी पार्टिसिपेट किया और खेल महोत्सव की प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल जीता और आज सब लोग उसे बहुत याद करते हैं। उसकी एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिल रही है। क्या मिल रही है, ध्यान से सुनना, कि कभी भी हमें हमारे बॉडी के किसी पार्ट में अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें अशक्ति आ गई है, कोई भी एक्सवाइजर इशू हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसे लेकर बैठ नहीं जाएंगे। हम क्या ट्राई करेंगे कि हमें इसे कैसे दूर करना है और इसको फेस करके कैसे आगे बढ़ना है। इस कहानी में हमें वॉल्टर ने यही सिखाया है कि अगर आपकी बॉडी का, आपके शरीर का कोई भी अंग अशक्य है, जिसमें शक्ति नहीं है और जिसमें पावर नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में पावर है, आपके मन में दृढ़ निश्चय है, तो आप कुछ भी आगे चलकर कर सकते हो। ओके, ये छोटी सी मैंने स्टोरी सुनाई आपको जो कि इस पार्ट से रिलेटेड है। अब मैं ये पार्ट का रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपको धीरे धीरे इसके शब्दार्थ भी बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले ऊपर का एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, जो ऊपर का ब्लू पैराग्राफ है, इस लेसन की एक छोटी सी समरी देता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 6, सुबह। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। आपने सुना होगा, जैसे हमारे पेरेंट्स, आप अब बड़े हो गए हो तो आपको पता होगा, आप पेरेंट्स से पूछोगे कभी कि हमें बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए थे, पोलियो ड्रॉप्स दिए गए थे। तो ये पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारी शरीर का कोई ना कोई अंग अपंग हो जाता है, यानी उसमें से शक्ति निकल जाती है, वो बेजान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग का अर्थ क्या है, अपंग हो जाना या हमारे शरीर की किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी एक अंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ये बात आप अपने पेरेंट्स से पूछना, वो आपको बताएंगे जब आप छोटे थे तब उन्होंने आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलवाए होंगे बाहर से, तो उस पोलियो ड्रॉप्स की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपरली चल रही है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए जाते हैं बचपन में, तब उनको आगे चलकर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो पोलियो ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। ये बात ध्यान से सुनना, सेम वॉल्टर के जैसे बात कर रही है यहाँ पर रेशमा। क्या है, उसकी शारीरिक कमी, शारीरिक का अर्थ होता है बॉडी, शरीर, हमारी बॉडी में अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। उसके जो इरादे थे, उसका जो निश्चय था, मुझे तो ये करना ही है, उसमें कभी भी वो बाधा यानी हर्डल नहीं बना था। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। यहाँ पर घटना का अर्थ है कि जो यहाँ पर नीचे एक प्रसंग कथा, जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट 6 सुबह प्रसंग कथा। प्रसंग कथा का अर्थ है यहाँ पर हमें रेशमा के जीवन की एक छोटे से प्रसंग की बात की गई है। तो इस घटना से हमें पता चल जाएगा कि रेशमा कितनी बहादुर है और वो कितनी सूझबूझ से अपना काम करती है। ओके, अब लेसन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको अपना टेक्स्टबुक साथ में रखना है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। सफाई का क्या मतलब है, जैसे हम लोग घर की सफाई करते हो, और व्यस्त का अर्थ होता है बिजी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं किसी काम में लगा रहना। मैं यहाँ पर मीनिंग लिख देती हूँ, काम में लगा रहना। ओके, यहाँ पर फिर हमें क्या बोला जा रहा है, सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है, तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है, झाड़ना मतलब सफाई करना, हम लोग जैसे नॉर्मली घर पे सफाई करते हैं, कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है, मकड़ी यानी स्पाइडर, आपने देखा होगा
अगर हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे घर की सफाई नहीं करते तो हमारी दीवार के घर में दीवारों के कोने में जाले जम जाते हैं, जिसको हम लोग मकड़ी का जाला कहते हैं। उसे भी सब लोग उतार रहे थे। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा ने क्या सोचा, आज पक्का कोई खास बात है, तभी तो सब लोग घर की सफाई कर रहे हैं। तब माँ आज कोई खास बात है, सभी इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता का क्या अर्थ है कि हम लोग अगर एक्साइटमेंट में, जैसे मैं आपसे कुछ पूछूं, मैं आपको कोई लेसन समझा रही हूँ, कुछ नया है, तो आप पूछोगे मैम जल्दी बताओ ना क्या है, तो इसको कहते हैं उत्सुकता, यानी किसी बात को जानने की तीव्र इच्छा। तो हम उत्सुकता का अर्थ लिखते हैं यहाँ पर। क्या है उत्सुकता का अर्थ? तीव्र इच्छा, किसी बात को जानने की तीव्र इच्छा। तीव्र का मतलब है बहुत बहुत इच्छा। तो रेशमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज कोई खास बात है, सभी इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ मिटिया, रानी त्योहार के दिन है। माँ ने उसे क्या रिप्लाई दिया, हाँ बिटिया रानी, प्यार से उसकी माँ उसे बोल रही है बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। यहाँ पर त्योहार का अर्थ क्या है? उत्सव, हम इंग्लिश में वर्ड बोल सकते हैं, त्योहार मतलब फेस्टिवल। माँ ने उसे क्या कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या, पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। अगर हम लोग घर की साफ सफाई पहले से करके रखेंगे तो हमें फेस्टिवल एंजॉय करने में ज़्यादा आनंद का मतलब है मज़ा आएगा, खुशी मिलेगी। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, जैसे प्यार से हमारी माँ कैसे हमारे गाल पर हाथ सहलाती है, उसे कहते हैं हाथ सहलाना, प्यार से हाथ घुमाना। अब आगे, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ का अर्थ क्या है? भूल जाना, जैसे कोई भी बात, जैसे यहाँ पर रेशमा के साथ हुआ, वो भूल गए कि त्यौहार के दिन पास में आ रहे हैं, तो वो भूल गए थे कि घर की साफ सफाई त्योहारों की वजह से हो रही है। मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। क्या बोला रेशमा ने कि माँ आपने मुझे तो कोई काम दिया ही नहीं। सौंपा का अर्थ क्या है? देना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं देना। मान वो रेशमा उत्सुकता में अपनी माँ से पूछ रही है कि माँ आज साफ सफाई करनी है त्योहारों के लिए, तो आप मुझे भी तो बताओ, आपने मुझे तो कोई काम दिया ही नहीं है। तब अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है तेरे लिए। देखो यहाँ पर माँ उसे बोल रही है, एकदम लाड में बोल रही है, बेटा पहले तू नहा धोकर तैयार हो जा, फिर मैं तुझे बताऊंगी, यहाँ पर तो बहुत सारे काम है करने के लिए, तू पहले तैयार हो जा, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगी। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, रेशमा ने कहा कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। यहाँ पर आप टेक्स्टबुक में देखोगे थोड़ा सा एरर है बेटा, आपको माँ ने कहा ये आपको ऊपर की लाइन में लिखना है। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। यहाँ पर आपको लिखना है माँ ने कहा, माँ ने रेशमा से कहा कि पहले तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, बहुत सारे काम है। फिर रेशमा क्या रिप्लाई करती है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने कहा कि मैं माँ मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। आगे, मदद तो मैं जरूर लूंगी। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उसकी माँ ने बोला कि बेटा तू तैयार हो जा, तेरी मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। उसकी माँ उसे प्यार से कह रही है, बेटा मैं तेरी मदद तो जरूर लूंगी, तू मेरी बेटी है और घर में साफ सफाई चल रही है, तो मैं तेरी मदद जरूर लूंगी, लेकिन पहले तू नाश्ता खा के तैयार हो जा, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगी क्या काम करना है। फिर कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। देखो यहाँ पर आपको मैंने अभी आपको पता चला होगा कि रेशमा पहिए वाली कुर्सी पर क्यों बैठी। रेशमा को बचपन में पोलियो हो गया था, तो उस वजह से उसके पैरों में से जान निकल गई थी, वो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, तो उसकी माँ ने उसे बेड से उठाकर पहिए वाली कुर्सी पर बिठाया। पहिए वाली कुर्सी का मतलब है व्हील चेयर। ओके,
माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला, धकेला मतलब आगे बढ़ाना। यहाँ पर धकेला का अर्थ क्या हो सकता है? धकेलना का अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना। रेशमा ने अपनी कुर्सी पर बैठकर उसे धकेला यानी उसे आगे बढ़ाया और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन जो रेगुलरली वो काम करती है उस कार्यों में वो लग गई, यानी वो नहाने गई, उसने वो रेडी हुई अपने इस सारे दैनिक कार्यों में जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उन सारे कामों में वो लग गई। फिर रेशमा जब, अब इतने पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि रेशमा क्यों व्हीलचेयर पर बैठे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि रेशमा के व्हीलचेयर पर बैठने का रीजन क्या था। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? रेशमा जब 5 साल की थी उस वक्त उसके दोनों पैर काम करना बंद हो गए थे। क्यों? उसे बहुत ही तेज बुखार हुआ और उसके घुटनों, घुटनों का अर्थ क्या है? नी, जो हमारे पैर में होता है नी, नी के नीचे की जो उसके पैरों की पूरी शक्ति निकल चुकी थी, घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए थे। बेजान का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप बेजान लिख सकते हैं निर्जीव। अगर आपको प्रॉपर में नहीं लिखना है तो मैं आपको बताऊं, जिनमें हरकत ना हो, इसका अर्थ क्या है कि बेजान का मतलब है कि जो ऐसी कोई चीज, जैसे अब उसके पैरों की बात हो रही है, ठीक है, घुटनों के नीचे से उसके पैरों में से जान निकल चुकी थी, इसका मतलब उसके जो नीज के नीचे के पैर थे वो काम नहीं करते थे, उसमें कोई भी मूवमेंट, हरकत का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट नहीं होता था। फिर बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसके पैरों से उसका बहुत इलाज करवाया, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को विजिट किया लेकिन उसके पैरों में कोई जान वापस नहीं आ पाई। उसे पोलियो हो गया था। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ डॉक्टर्स के विजिट करने लगे तब उसे, तब उन्हें पता चला कि रेशमा को पोलियो हो गया है। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। सहायता का अर्थ क्या है? मदद। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। हिम्मत वाली मतलब वो बहुत स्ट्रांग थी, ब्रेव थी। शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी थी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। स्वयं का अर्थ है खुद करना, अपने आप अपने काम कंप्लीट करना। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर नहीं, निर्भर का अर्थ क्या होता है? आधार रखना। इट मीन्स मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। इंग्लिश में मीनिंग आपको बताऊँ तो निर्भर का अर्थ क्या होता है? किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। हिंदी में इसका अर्थ हो सकता है आधार रखना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। यहाँ पर आंखों का तारा एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या है? बहुत ही प्यारा होना। यहाँ पर मैं आपको मीनिंग में लिख दे सकती हूँ, ये मुहावरों का अर्थ है। नीचे लिख रही हूँ मैं, आंखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना। बहुत ही प्यारा
होना। ओके, आज हम लोग इतना ही समझते हैं, आगे का लेसन मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। लेकिन अब पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहती हूँ कि आज हमने क्या समझा। इस लेसन को सुबह नाम क्यों दिया गया है ये आपको सोचना है। एक बार इस लेसन को पूरा रीड करो और फिर आपको सोचना है कि इस लेसन को सुबह नाम क्यों दिया गया था। अभी हमने हाफ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है, इसमें हमने देखा कि रेशमा को पोलियो कैसे हुआ था, रेशमा के घर में साफ सफाई चल रही थी त्योहारों की वजह से, और रेशमा सब अपने घर में सबकी बहुत ही प्यारी थी। इतना आज हमने समझा, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।